कैनेडा के एक यात्री जहाज के क्र्यू मैंबर जो पिछले 7 महीने तो डोमिनिकन रिपब्लिक देश विच सन उन्होंने आखिर वापस घर आने की इजाजत दी जा रही है। दरअसल इस साल के अप्रैल महीने की शुरुआत विच पिवट एयरलाइन की फ्लाइट जो कि कैलगरी तो पुंटा कैना एयरपोर्ट जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक देश दे विच है उत्थे पहुंची जिथे कि उस दे विच एक शक्की बैग क्र्यू नू मिलिया जिस बारे उन्होंने अधिकारियों नू शिकायत की। दरअसल जहाज दे विच एयरपोर्ट दे उत्ते जांच दौरान कोई तकनीकी खराबी का शक पाया गया। जदों मकैनिक ने जांच की तो उस दे विच एक शक्की बैग मिलिया जिस नू जांचिया गया तो उस दे विचों कोकेन मिली। जदों जहाज की होर ज़्यादा जांच हुई तो होर भी कई बैग मिले जिस दे विच आखिरकार यह पाया गया कि 200 किलो तो वध कोकेन उस जहाज दे विच मौजूद सी। जिस तों बाद उस जहाज दे क्र्यू जिस दे विच 5 जने सन 2 पायलट 2 फ्लाइट अटेंडेंट ते 1 मकैनिक उन्हां नूं तुरंत हिरासत विच लै लिया गया जिन्हां नूं 9 दिन दे लई जेल विच भी रख्या गया। जिन्हां नूं वापस कैनेडा लियाउण दे वास्ते कैनेडा तों अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे सन जिस दे बारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी भरोसा दिवाया सी कि ओह गल्लबात दे विच लगे हुए ने। 7 महीने तो इस मामले की जांच चल रही सी ते हुण शुक्रवार नूं गल्लबात नेपरे चढ़ी जदों उन्हां नूं वापस घर आउण दी इजाजत दे दित्ती गई है जिस दे बारे जानकारी नूं जनतक किया गया। जिस तों बाद 5 क्र्यू मैंबर जो कि हिरासत विच सन उत्थे उन्हां नूं काफ़ी वड्डी राहत मिली है जिन्हां नूं इह तां कह दिता गया कि हुण उन्हां नूं वापस घर भेज दिता जाएगा पर हजे भी यह नहीं दस्या गया कि केड़े दिन ते केड़े समय उन्हां नूं वापस घर भेजा जा रहा है।